दुनिया में पोलियो वैक्सीन के नाम पे जो अमेरिका अपने लोगों को भेजता है वहाँ पर वो सर्विस भी कराते हैं। पोलियो की वैक्सीन तो बेचारे बच्चों को मिल जाती है अच्छी बात है लेकिन साथ ही वो सर्वे अपने लोगों को भेजता है मशीनरी दे के कि चेक करो यहाँ ऑयल रिजर्व्स कहाँ पड़े हुए हैं यहाँ पे गोल्ड रिजर्वस कहाँ पड़े हुए हैं यहाँ पर कोल्ड रिजर्वस कहाँ पड़े हुए यहाँ गैस रिजर्व कहाँ पे तो होता क्या है जहां पर गोल्ड रिजर्व होते हैं वहां पर वो अफ्रीका के युगांडा और अलजेरिया अल्जे, छोटे मोटे मुल्क जो हैं यहां पर वो खाना जंगी शुरू करवाता है ये समझें हम जो यहां से भागे भागे जा रहे होते हैं ना अमेरिका हमारा बाप है तो वो जो बोलेगा हम वही करेंगे नहीं तो हम मर जाएंगे मसला ये है जब तक अंग्रेजी के दो चार जुमलों में हम बकवास ना करते हम खुद को पढ़ा लिखा भी नहीं समझते मसला ये है कि वही अमेरिका वहां खाना जंगी कराएगा छोटे छोटे ग्रोहों में जहां दो बंदे मरेंगे बीबीसी और सीएनएन रिपोर्ट करेगा बीस बंदे मरे फिर उसने अपने टाउट्स रखे होते हैं पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश चाइना पूरी दुनिया में जो मीडिया पे बोलेंगे अमेरिका को आना चाहिए अमन के क्याम के लिए अमेरिका फिर अकवा मुत की अम्ब्रेला के अंदर अमन के क्या के लिए आता है और गरीब ममालिक की फौज को बुलाता है कि तुम्हें तो हम डबल तनख्वाही देंगे यूएन मिशन पर जा रहे हैं उन फौजों का क्या काम होता है चौकीदारी करना और कुछ भी नहीं वो एक कुछ मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर के एरिया होता है जहां पर सिर्फ अमरीकी इंजीनियर को इजाज़त होती है जाने की उनके मजदूर तबके को इजाज़त होती है जाने की बाहर अगर कोई पंगा ले रहा हो वहाँ का लोकल्स में से तो जिस फौजी ने उसके साथ लड़ना है या खुद शहीद होना है वो इन गरीब ममालिक फौजी होते हैं उन्हें लालच दी होती है एक तनख्वाह तुम्हें अपने मुल्क में मिलेगी एक उधर मिलेगी तुम चौकीदारी करो अंदर से जो कंटेनर भर भर के कंटेनर खाली आता है और भर के जा रहा होता है वो सोने चांदी के कंटेनर जो भरे होते हैं ना भाईजान उसके एंड पे असले की एक तय जमा दी जाती है और कहा जाता है ये ज़मीन से असला निकला जनाब ये इन लोगों ने दबाया हुआ था दहशत गर्दी की आमाज गा थी और इस तरीके से पूरी दुनिया का जखीरे पे कब्जा किया जाता है और उस पूरे चालों के सोने में से इतना सोना भी इकट्ठा करो उसे बेच दो तो बाहर जो दो ढाई हज़ार की फौज खड़ी होती है उसके पूरे साल की तनख्वाह होती है वो डबल तनख्वाह होती है इस तरीके से गरीब देर बिंग यूज लाइक ए टिश्यू पेपर हम मुसलमान टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं मुतद अरब अमारात इसराइल को तस्लीम कर चुका है हमारा जितना सियासतदान तबका है ये हराम तोपियाँ करने के लिए दुबई जाता है सबसे सस्ते रेट में औरत वहाँ मिलेगी जाके बा सबसे सस्ते रेट में न शराब वहाँ मिलेगी बाहर ये वहाँ जाएंगे अब इसराइल अपने तमाम तर ये जो गलाजत के अड्डे हैं वहाँ पर खोलेगा और वहाँ पर इसराइल की फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट पढ़ें। उसने कहा मैं अपने मुल्क की सालमियत के लिए किसी भी अरब शेख के आगे लेटने को तैयार हूँ। यह उसके अल्फाज हैं तो दोस्तान जीवार इस बात को समझने की जरूरत है कि वही इसराइल वहां पर या हमारे लोग तो घुगू होते हैं इनको पता कख भी नहीं होता इन्हें मिनिस्टर बने हुए पाँच साल होते हैं जब साइन करना सीखेंगे तो इनकी वो टेने और पूरा हो जाता है जाली डिग्रिया लेके ये लोग उधर दफा हुए हुए होते हैं ऐशी करने जब वहां जाते हैं इन्हें नहीं पता होता कि हिडन कैमरा कहाँ लगा हुआ है ये जो वहां पर उसके साथ मीठी मीठी बोली बोल रहे होते हैं वो सारी रिकॉर्ड होती है फिर उन्हें कहा जाता है कि यह हल्फनामे में तरमीम करो ये मुल्क की बेटी को बेचो ये एम एल कानसी को उठा के बाहर भेजो ये डॉक्टर आफिया को उठा के बाहर भेजो नहीं तो तुम्हारी यही वीडियो तुम्हारे हल्के की आवाम को दिखाएंगे और तुम्हें नंगा करेगी अवाम वो अपनी जती इज्जत बचाने के लिए कौम की बेटी को फरोख्त करता है वो अपनी जाति इज्जत बचाने के लिए कौम के राज को बेचता है वजह ये है कि हमने इन्हीं उल्लू के पटों के अपने ऊपर मसलत किया हुआ है हमेशा और हम लोग खुश क्या होते हैं एम एन ए साहब जनाब बड़ी प्राडो में आ गए चार पांच गार्ड्स लेके आ गए अपने साथ हम गिटों में बैठ जाएंगे भूल जाएंगे कि जनाब हम लोगों ने मास्टर्स किया हुआ हमने बैचलर्स किया हुआ ये उल्लू का पट्टा सिंपल एफ पास आया हुआ है हम इसके पीछे भाग रहे हैं।